हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और मैं हूँ आपका घुमक्कड़ बाबा। और आज का वीडियो धार्मिक होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम चलते हैं सबसे पहले शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आसपास बहुत से जगह हैं घूमने की, तो आप शिरडी कहीं से भी पहुँच सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र घूमने आए हैं। घूमना भी हो गया और दर्शन भी। पुणे से शिरडी बाई रोड अप्रॉक्स 5 घंटे या फिर 189 किलोमीटर है, मुंबई से 241 किलोमीटर और नासिक से 122 किलोमीटर। और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन, कोपरगांव रेलवे स्टेशन या फिर नए बने शिरडी एयरपोर्ट के थ्रू साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो आपको पुणे से शिरडी बाय रोड आना चाहिए, रास्ते की खूबसूरती देखते हुए। और रास्ते में गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने का जूस पीते पीते निकल लीजिए। शिरडी के साईं बाबा दर्शन से पहले ये शेड्यूल देख लीजिए, आप इसके हिसाब से दर्शन करने पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो दर्शन करने के लिए लाइन भी लंबी लगती है। तो अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो साईं मंदिर के ट्रस्ट की वेबसाइट से वीआईपी दर्शन का टिकट ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से दर्शन करना चाहते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि सुबह 3:30 बजे लाइन में लग जाइए, आपको आरती साईं मंदिर के अंदर देखने को भी मिल जाएगी और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। मंदिर के अंदर साईं बाबा की समाधि स्थल भी है। मोबाइल और पर्स अलाउ नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी में या होटल में रख कर के आएँ, या फिर मंदिर के बाहर शॉप्स में लॉकर भी है, वहाँ पे जमा कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको साईं प्रसादालय में जाना चाहिए। साईं प्रसादालय में डेली लगभग 60,000 लोगों का खाना खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में, और यहाँ पे एक साथ 3,500 लोगों को खाना खिलाने की सुविधा है। और अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना ज़्यादा मात्रा में खाना सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के थ्रू बनता है। यहाँ से बाहर निकल कर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं शनि शिंगणापुर दर्शन करने। शिरडी से शनि शिंगणापुर लगभग 73 किलोमीटर है, 2 घंटे का रास्ता। शनि शिंगणापुर ऐसा विलेज है जहाँ दरवाजे पे लॉक नहीं होता है। आश्चर्यचकित? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। शनिदेव के मंदिर जाते हुए रास्ते में आप देख सकते हैं ये। इस विलेज से होते आप पहुँचते हैं शनिदेव के मंदिर में। ये एक ओपन टेम्पल है। ऐसी मान्यता है कि शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद शनि शिंगणापुर दर्शन करने ही चाहिए, बिना उसके पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आइए तो शनि शिंगणापुर दर्शन जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस के साथ। थैंक यू।